तो फ्रेंड मैं ना इस टाइम कश्मीर में हूँ, दरगाह हजरत बल में। तो भैया सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले नाम बताइए, क्या जी आपका? मुशायद। मुशायद, तो मुशायद भाई क्या बेच रहे हो? पिकल अचार बोलते हैं कश्मीरी में। कश्मीरी अचार? हाँ हाँ। तो भैया जी इसको कैसे तैयार करते हो? बहुत मसाले जो इसके लिए मसाले होते हैं सब डालते हो, और ऑयल भी डालते हैं। कौन सा ऑयल डालते हो? सरसों का। सरसों का ऑयल। हाँ। और ये अगर किसी ने घर में लेके जाना हो तो कितने टाइम तक खराब नहीं होता ये? 2 महीने ज्यादा ज्यादा। 2 महीने से ज्यादा चल जाएगा? हाँ। 2 महीने के ज्यादा चल रखेंगे फिर कुछ नहीं होता है। ठीक है, कितने साल से काम कर रहे हो ये वाला? मेरे को 2 साल हो गए, और जो पुराने लोग हैं वो बाबा उनको बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। तो थोड़ा दिखा सकते हो भी कौन से अचार होते हैं और क्या क्या होता है आपके पास? ये वाला है जो मिर्ची कम है। ये कौन सा अचार है? इसमें गाजर, मूली, साग, नदरू, फूलगोभी सब कुछ होता है। गाजर, मूली, साग, नदरू सब कुछ होता है? हाँ। क्या बात है। और इसका प्राइस क्या रहता है? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। तो भाई साहब 200 रुपये किलो आपको ये अचार मिल जाएगा। उसके अलावा भाई साहब ये बता दो कि ये कौन सा है? ये कौन सा अचार है? हाई स्पाइसी। हाई स्पाइसी। इसमें क्या क्या होता है? ये सारे मिक्स है। ये सारे मिक्स है। हाँ। इसमें भी नदरू होता है, मिर्ची होती है, गाजर होती है, सब सारा मिक्स होता है। ठीक है। और ये भी? ये मीडियम होता है। मीडियम, न ज्यादा तीखा न ज्यादा मीठा। जो ज्यादा लाइट खाना चाहते हैं उनके लिए ये अचार है। क्या बात है। ये भी सेम ही होता है? हाँ सेम ही होता है। क्या बात है भैया, आपको ना 3 वैरायटी की ये देखो चार मिल जाएगा। ये सबसे पहले इसमें तेज मिर्ची है, कम मिर्ची, इसमें कम मिर्ची है, उसमें थोड़ी तेज मिर्ची है, और ये होता है मीडियम साइज का। और भाई साहब ये बोल दो, दिखा सकते हो ये कौन सा अचार है? नदरू है। ये नदरू का अचार है, कलम ककड़ी बोलते हैं इसको। ओके। इसका क्या फायदा होता है खाने का? बहुत फायदे होते हैं इसके। बहुत फायदे होते हैं नदरू के, जो पानी से निकल के भी लगते हैं। अच्छा, तो ये कौन सा अचार है? ये और वो सेम है। सेम है, होते हैं बहुत वैरायटीज, तो अभी इतना ही अवेलेबल है। ठीक है। तो फ्रेंड आप भी कश्मीर में आए, तो अगर आप कश्मीरी अचार का मजा लेना चाहते हो तो कितने साल से ये अचार का काम कर रहे हो आप बनाने का? बहुत टाइम हो गया इधर। बहुत टाइम हो गया। हाँ। अचार बेच रहे हो? हाँ, मेरे को खुद हो गया 1.5 साल। डेढ़ साल, डेढ़ साल से आप अचार बेच रहे हो। तो आपके पहले दादा परदादा करते होंगे? पापा काम करते थे। तो ये आप कैसे तैयार करते हो, घर में करते हो तैयार? हाँ, बना बनाया लेके आते हो? नहीं, आप खुद तैयार करते हो? घर में करते हैं। खुद तैयार करते हो? अपने मसाला जो आप ही साहब बनाते हो मसाले वगैरह? तो भाई साहब अपने मसाले डाल के जो अचार बनाते हैं। तो ये अगर कश्मीर में आए, इस टाइम मैं हूँ दरगाह हजरत बल में, तो आप भी एक बार इनके पास ट्राई करना। इनका अचार बहुत ही बढ़िया होता है और बहुत फेमस होता है। सबका 200 रुपया प्राइस है और ज्यादा? ये 200 रुपये, ये है 280 रुपये किलो। ये 280 रुपये, ये 280 है, बाकी सारा 200 है। तो पैसे भी ज्यादा नहीं भाई साहब, 200 का किलो अचार मिल जाएगा। तो आप भी एक बार इनके पास ट्राई करना। भैया आप अगर किसी ने आपके पास आना हो कश्मीर में तो क्या लोकेशन है, कहाँ पे आना चाहिए? दरगाह हजरत बल इधरी। दरगाह हजरत बल? हाँ। यूनिवर्सिटी के नीचे है। तो कितने बजे यहाँ आ जाते हो? सुबह 9-10 बजे आते हैं, शाम को 8-10 बजे बंद करते हैं। थैंक यू सो मच भैया, वेलकम।